पूर्वी दिल्ली में वायु को नियंत्रित करने में जुटे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व उप महापौर संजय गोयल, पार्षद अर्पणा गोयल, शशि चंदना, अजय शर्मा, संदीप कपूर, नीता विसट के अलावा निगम कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्माण समिति के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने की। इस मौके पर महापौर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस कार्य में 40 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें, 10 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, 4000 लीटर की छोटी जेट मशीन क्षेत्र में काम कर रही है। 128 टीमें हर वार्ड में दो दो टीमें जांच करने के लिए लगातार काम कर रही है और दिल्ली सरकार प्रचार में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी इन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा की है। दिल्ली नगर निगम जमीनी स्तर पर काम करता है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हम विज्ञापन नहीं करते, हम विज्ञापन बाज नहीं है, हम जनता के खून पैसे की कमाई टैक्स के पैसे को विज्ञापन में नहीं उड़ाते। आपने आज तक पूर्वी दिल्ली नगर निगम का एक भी विज्ञापन नहीं देखा होगा। नहीं, आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे कूड़ा कौन उठाता है तो बताएंगे कि निगम उठाता है। जनता से पूछेंगे प्रदूषण को कम करने में किसका सहयोग है तो दिल्ली निगम का सहयोग है। जनता से पूछोगे पार्कों का रखाव कौन करता है, दिल्ली निगम करता है। जनता से पूछेंगे कि डेंगू के बचाव के लिए दवाइयां किससे छिड़की तो दिल्ली नगर निगम ने छिड़की। ये है हमारी टीम, हमारा हजार वर्कर्स दिन रात पूरी दिल्ली की जनता की सेवा में लगा हुआ है। हमारे यहाँ 40 फिंगर मशीनें, मैकेनिकल स्वीपर्स दिन रात, अभी 80 गाड़ियां यहां खड़ी हैं, 80 गाड़ियां यहां खड़ी हैं जो प्रतिदिन 15 से 20 टन मिट्टी उठाती है। सड़कों जो कोने में पड़ी होती है 15 से 20 टन मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिनको शास्त्री पर सीएनजी प्लांट में लेके जाया जाता है, जिससे ईंटों का निर्माण होता है, टाइल्स बनती है। हम मिट्टी को भी सोना बनाना जानते हैं, ये ताकत है निगम की।